Good morning, students. Today we'll start our next chapter, that is forms of market. Okay. Students, there are different forms of market. There are different types of market on the basis of their structure. Okay. Like perfect competition, monopoly, monopolistic competition, and oligopoly. Okay. Duopoly is also there. Okay. So in this year, we'll have to discuss, we'll only study the perfect competition, okay? As the CBSE has deleted the other forms of market, that is monopoly, monopolistic, and oligopoly, okay? These forms of market are being deleted, okay, this year. So we'll have to discuss perfect competition only, okay? So first of all, before discussing, or before moving forward, we have to discuss what is market? What is a market? Okay, what exactly market is? So market, conventionally or traditionally, it was assumed that market is a place. Okay, it is concentrated to a particular place. Okay, market was concentrated to a particular place. Okay, nowadays it is not bounded or concentrated by the physical boundaries. Okay, so market is any arrangement where buyer and seller meet. Okay. To perform their activities of selling and buying. Clear? So any arrangement where buyer and seller meet to perform their activity of buying and selling is called market. Okay. No physical or geographical boundaries are concerned with it. Okay. For example, we are nowadays we are observing that e-markets are growing. Okay. जो electronic markets हैं, online markets जो platforms हैं, वो बहुत ज़्यादा grow कर रहे हैं. So market is not a place just. Okay. तो जहाँ पे बायर और सेलर एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं अपने बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उसे मार्केट कहते हैं. ओके, सो देयर बायर एंड सेलर मीट. ओके, डजंट मैटर दे आर पर्सनली मीट. ओके, दे कैन मीट वर्चुअली. ओके, लाइक इन ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म द बायर एंड सेलर आर वर्चुअली मीटिंग. ओके, टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली. क्लियर? सो इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट they have to meet personally. So physical, geographical, and personal characteristics are not involved in the market. Clear? Now we'll discuss about the forms of market. The first one is perfect competition. Okay, so that is a competitive market form. Okay, so as the name suggests, the perfect competition, that means there are various sellers in the market selling commodities. Okay, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है. तो जो सेलर्स हैं मार्केट में, जो भी बेच रहे हैं, जो अपना गुड्स एंड सर्विसेज जो बेच रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में कॉम्पिटिशन है बहुत ज़्यादा. दैट मीन्स नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज़्यादा होंगे. अगर कॉम्पिटिशन है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा होंगे. ओके, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन से हमें एक चीज़ पता चली कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स वहाँ पे होंगे. ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाएगा. नेक्स्ट, ऑब्वियसली मार्केट में बायर्स तो बहुत ज़्यादा होते ही हैं, सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी एक इसका फीचर हो जाएगा. नेक्स्ट, कुछ अदर फीचर्स को हम डिस्कस करने के लिए चलते हैं. सो द फर्स्ट फीचर इज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी. ओके, सो द नंबर ऑफ बायर्स आर ऑल्सो लार्ज एज वेल एज द सेलर्स. ओके, कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर्म है तो सेलर्स बहुत ज़्यादा होंगे. सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनके साथ बायर्स भी बहुत ज़्यादा ही होंगे. ठीक है, लेकिन वो स्मॉल बायर्स होंगे. स्मॉल बायर्स इन द सेंस कि एक बायर जो है कमोडिटी खरीद रहा होगा तो उसकी स्मॉल क्वांटिटीज वो खरीद रहा होगा. ओके, सो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द बायर्स आर बाइंग द कमोडिटी इन फ्रैक्शंस यू कैन से, और इन स्मॉल क्वांटिटी. ओके, बल्क में नहीं खरीद रहे होते, वो स्मॉल क्वांटिटीज में खरीद रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जनरली हम जब मार्केट जाते हैं तो बींग अ कंज्यूमर हम जो खरीदते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में हम खरीद रहे होते हैं. ठीक है, एज अ शॉपकीपर और एज अ सेलर हम उसको, या रिटेलर या होल सेलर हम उसको नहीं खरीद रहे होते हैं. ठीक है, कंपनी से या फिर एजेंसी से. ठीक है, तो उस केस में हम बल्क में खरीदते हैं अगर हम एजेंट होते या सेलर होते जिनको हमें फर्दर सेल करना होता है. ठीक है, लेकिन हम तो अपने कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं, तो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी स्मॉल यूनिट्स ही परचेज करेंगे. जो स्मॉल बायर्स होते हैं, दैट मीन्स बायर्स को स्मॉल इसलिए कहा गया है कि वो स्मॉल क्वान्टिटी में बाय करते हैं. ओके, सो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं. क्लियर? कोई भी एक सिंगल सेलर और एक सिंगल बायर जो है,
ठीक है, वो प्राइसेस को अफेक्ट नहीं करता है, ना ही मतलब सिंगल सिंगल बायर प्राइसेस को अफेक्ट नहीं करता है और डिमांड को भी अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब किसी एक बायर के चले जाने से मार्केट की डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बायर सर्टेनली उसी मार्केट में किसी दूसरे सेलर के पास शिफ्ट हुआ होगा। ओके, हम एक मार्केट की बात कर रहे हैं, मार्केट सप्लाई की बात कर रहे हैं, उस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। ओके, सो अगर एक बायर किसी एक सेलर से अपना सामान लेना बंद कर देता है, दैट मीन्स अगर कोई सेलर अपना एक बायर या कुछ नंबर ऑफ बायर्स लूज कर जाते हैं, तो सर्टेनली वो बायर्स किसी दूसरे सेलर के पास उसी मार्केट में गए होंगे, ठीक है। वो किसी दूसरी मार्केट में मूव नहीं करे होंगे, क्योंकि इतना डिस्टेंस या इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो इतनी दूर जा किसी दूसरी मार्केट में जाके परचेज करने जाएंगे, ठीक है। तो कन्वीनियंटली वो उसी मार्केट में किसी दूसरे सेलर के पास शिफ्ट हुए होंगे। सो कोई सिंगल बायर, ठीक है, डिमांड को अफेक्ट नहीं करेगा, मार्केट डिमांड को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। तो किसी एक बायर के चले जाने से मार्केट के डिमांड के ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो किसी दूसरी सेलर पे शिफ्ट हुआ होगा उसी मार्केट में। सेम है, जो सेलर्स हैं वो सप्लाई को अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। किसी ने सप्लाई घटाई है तो किसी ने बढ़ाई भी होगी। जिसके नंबर ऑफ बायर्स कम हुए होंगे तो वो सप्लाई घटा रहा होगा, लेकिन जिसके बायर्स इंक्रीज हुए हैं उसने तो सप्लाई बढ़ाई होगी। सो मार्केट सप्लाई रिमेन अनअफेक्टेड। ओके, तो कोई भी एक बायर डिमांड को अफेक्ट नहीं कर सकता, सिंगल बायर, और ना ही कोई एक सिंगल सेलर सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। ओके, सो दैट वॉज द कॉन्सेप्ट। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर, नो सिंगल बायर कैन अफेक्ट द डिमांड, मार्केट डिमांड, ठीक है। कोई सिंगल बायर जो है, तो सिंगल बायर ने ना तो डिमांड को अफेक्ट किया है और ना ही कोई सिंगल सेलर सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। ओके, सो जब सप्लाई और डिमांड अफेक्ट नहीं होती, ठीक है, सप्लाई और डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, सो प्राइस विल ऑल्सो रिमेन अनअफेक्टेड। इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि प्राइस जो है वो सप्लाई और डिमांड मार्केट फोर्सेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके, इफ सप्लाई एंड डिमांड मीन्स मार्केट फोर्सेज रिमेन अनचेंज, ऑब्वियसली द प्राइस विल ऑल्सो रिमेन अनचेंज। ओके, सो इस मार्केट में जो मार्केट प्राइस होगा, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट रहेगा, अनचेंज रहेगा। सो ओ वाई एक्सिस के अंदर प्राइस दिखाया है या ए आर दिखाया है, वो कॉन्स्टेंट है, अनचेंज है, ठीक है, क्लियर। कैसे हुआ ऐसा? क्योंकि सप्लाई और डिमांड, मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड की कोई ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, तो प्राइस भी चेंज नहीं हो, क्योंकि प्राइस हाईली डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही अफेक्ट करता है, डिपेंड करता है। डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगी तो प्राइस घटेगा, लेकिन यहाँ पे तो डिमांड चेंज ही नहीं, मार्केट डिमांड चेंज नहीं हुई, तो मार्केट डिमांड अगर अनचेंज रही है तो प्राइस के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, एंड द प्राइस लाइन और द ए आर कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड द डिमांड कर्व, ठीक है। सो मीन्स ए आर कर्व ही डिमांड कर्व, हम पिछले लेक्चर में पढ़े हैं ये, ठीक है, रेवेन्यू वाले कॉन्सेप्ट में ए आर कर्व ही हमारा क्या होता है, डिमांड कर्व। रेवेन्यू में हमने पढ़ लिया था, ठीक है, कि जो ए आर है, लाइक प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जब हमने पढ़ा था, ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ा था परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इक्विलिब्रियम कम होगा, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर और एम आर इक्वल होते हैं, ठीक है, पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। जब भाई प्राइस या ए आर कॉन्स्टेंट है तो एम आर भी कॉन्स्टेंट होगी, ये हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, ठीक है। जब पर यूनिट प्राइस चेंज नहीं हो रहा तो आप जितनी ज़्यादा यूनिट बेचते जाओगे तो जो डिफरेंस है टोटल रेवेन्यू में वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर पर यूनिट प्राइस 10 रुपये है तो आप हर बार एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचते हो तो टी आर में कितना इंक्रीमेंट होगा, 10 रुपये से इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच रहे हो, ठीक है, और एक यूनिट का प्राइस कितना है 10 रुपये, तो एक्स्ट्रा 10 रुपये आए हैं, ठीक है। तो एक एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचोगे तो टी आर में 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, क्लियर। तो इफ ए आर इज कॉन्स्टेंट तो एम आर विल ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट, क्लियर। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डिमांड कर्व, ठीक है, ये हमारा डिमांड कर्व भी होगा जो कि पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस है, ठीक है। सो यहाँ बेसिकली हमें यहाँ पे क्या पता चला कि एक सिंगल या फिर एक इंडिविजुअल फर्म मीन सेलर और बायर प्राइसिस को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो फर्म प्राइस डिसाइड नहीं करती है, इंडस्ट्री डिसाइड करती है, ओके, क्लियर। तो फर्म इज नॉट अ प्राइस मेकर, ओके, इट इज अ प्राइस टेकर, वो प्राइस मेकर नहीं, प्राइस डिसाइड नहीं करती है, ठीक है, वो प्राइस लेती है, जो इंडस्ट्री डिसाइड करती है उसी प्राइस पे बेचती है, तो इट इज कॉल्ड प्राइस टेकर। ओके, एंड डिमांड कर्व इज पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस। पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस डिमांड कर्व क्या बताता है, कि सेम प्राइस पे ही वो जितना मर्जी यूनिट बेचने के लिए रेडी है। क्यू यूनिट्स भी प्राइस पी पे बेच रहा था, क्यू वन यूनिट्स भी प्राइस पी पे, क्यू थ्री यूनिट भी प्राइस पी पे, क्यू फोर यूनिट भी प्राइस पी पे, एंड क्यू एन यूनिट्स, ठीक है, जितने इनफाइनाइट यूनिट भी वो प्राइस पी पे ही बेचने के लिए रेडी है। ओके, तो हमारी डिमांड जो है यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कही जाएगी। ओके,
The next feature is homogeneous products. All the sellers who are selling the products or their products in the market, all the products are identical. Okay, all the products are homogeneous or identical. There is no difference between the products regarding their shape, size, color, weight, or whatever the attributes we are taking. Okay, किसी भी attribute product की किसी भी attribute को लेके कोई difference नहीं है. सारे sellers एक जैसा product बेच रहे हैं. ठीक है, so all the producers, sorry, sellers are selling homogeneous or identical products. There is no difference between the products regarding their shape, size, color, and so on, weight, you can say. For example, market में जितने भी retailers हैं, ठीक है, Lux की जो toilet soap बेच रहे हैं, तो सबका जो एक स्टैंडर्ड साइज, लाइक छोटी भी आती है 10 रुपए वाली, ठीक है, 50 रुपीज की भी आ रही है, ठीक है, तो 50 रुपीज की, लाइक जितना ग्राम उस पर लिखा हुआ है, आई डोंट नो द क्वांटिटी, ओके, लाइक जितने भी ग्राम्स की, लाइक 50 ग्राम्स का वो जो बार है टॉयलेट सॉप का, लक्स का, ठीक है, तो 50 ग्राम्स की जो वैल्यू, जो कलर, जो शेप, जो साइज, ठीक है, जो फ्लेवर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, सारे सेलर्स उस मार्केट में उसी को बेच रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसको प्रोड्यूस नहीं किया है. ओके, तो उस प्रोडक्ट में सभी सेलर्स के बेचने पे कोई डिफरेंस नहीं हो रहा, मतलब सारे सेलर्स उसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, लक्स के उस 50 ग्राम के टॉयलेट सॉप को बेच रहे हैं, उसी प्राइस से ऑलमोस्ट बेच रहे हैं, ठीक है, उनमें कोई शेप, साइज, कलर को लेकर, प्राइस को लेकर डिफरेंशिएशन नहीं है. सो ऑल द सेलर्स आर सेलिंग द होमोजीनियस और द आइडेंटिकल प्रोडक्ट. ओके, तो बहुत सारे सेलर्स हैं, तो जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल हैं, होमोजीनियस हैं. क्लियर? जिस वजह से अगर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, सो सेलर टू सेलर प्राइस में भी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचा जा रहा है हर सेलर के द्वारा, तो प्राइस भी सेम रखा जाएगा. अगर डिफरेंस होता, अगर शेप को लेके ही डिफरेंस होता, कलर को लेके ही होता, ओके, तो उसमें प्राइस डिफरेंशिएशन हो सकते थे. ओके, वेट को लेके डिफरेंस होता, कलर को लेके, इंग्रेडिएंट्स को लेके, शेप को लेके डिफरेंस होता, तो प्राइस वेरिएशन हो सकते थे. लेकिन यहाँ पे तो कोई वेरिएशन है ही नहीं, डिफरेंसेस है ही नहीं प्रोडक्ट में, सारा प्रोडक्ट सेम बेचे जा रहे हैं सभी सेलर्स के द्वारा. ओके, डेटोल का वही सेलर ए बेच रहा है, सेलर बी, सेलर सी, सेलर डी, डेटोल का जो लाइक हैंड वॉश है, ठीक है, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. ओके, सेम क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज अगर अलग अलग क्वांटिटी की बात की जा रही है, ओके, 150 लाइक 150 ग्राम का अलग है, ठीक है, 500 ग्राम्स का अलग है, 1000 ग्राम्स का अलग है, ठीक है, तो उस बेसिस पे तो क्वांटिटी वाइज डिफरेंसेस हो गए. सेम क्वांटिटी का जो भी सेलर बेच रहे हैं उनके प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है. ओके, क्लियर? तो जब डिफरेंस नहीं है क्वालिटी, साइज, शेप को लेके, तो प्राइसेस में भी कोई डिफरेंस नहीं मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट वाला इज परफेक्ट नॉलेज. हियर इफ देयर इज नो डिफरेंस रिगार्डिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट, ओके, मार्केट में प्रोडक्ट को लेके कोई डिफरेंसेस नहीं है, ओके, तो बायर्स एंड सेलर्स आर फुल्ली अवेयर अबाउट द प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट. बायर्स को भी पता है और सेलर्स को भी पता है, ठीक है, कि किस प्राइस पे मार्केट में वो प्रोडक्ट बिक रहा है. सेलर्स को पता है कि दूसरे सेलर्स कितने पे बेच रहे हैं, एंड बायर्स को पता है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट कितने का, क्योंकि वो रेगुलर बायर्स हैं, और हर सेलर सेम प्राइस में बेच रहा होगा, क्योंकि डिफरेंसेस नहीं है प्रोडक्ट में. ओके, सो बायर्स एंड सेलर्स आर फुली अवेयर अबाउट द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट. ओके, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, मतलब सेलर ए सेलर बी से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है, एक प्रोडक्ट के लिए, जो सेलर ए भी बेच रहा है और सेलर बी भी बेच रहा है, क्योंकि आइडेंटिकल और होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उनमें प्राइसेस को लेके कोई डिफरेंस नहीं होगा, मीन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, कि किसी एक कस्टमर से या कंज्यूमर से कुछ प्राइस चार्ज कर लिया, किसी दूसरे से कुछ चार्ज कर लिया, बिकॉज ऑल द बायर्स आर वेल अवेयर अबाउट द प्रिवेलिंग प्राइसेस. उनको पता है मार्केट में इस कमोडिटी का क्या प्राइस चल रहा है. नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. ओके, यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट की बात हो रही है सेलर्स को लेके. ठीक है, तो नंबर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं मार्केट में, तो कोई भी सेलर बंधा हुआ नहीं है, फिक्स नहीं है, बाउंडेड नहीं है कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन से. ओके, कोई भी सेलर जब मर्जी मार्केट में एंटर कर सकता है, कोई सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है वहाँ पे मार्केट में एंट्री के, और जो अपनी फर्म को बंद करना चाहे बंद करके जा सकता है. बंद करके मीन्स लिक्विडेट, लाइक क्लोज या शट डाउन कर रहा है, अपना बिजनेस ही बंद कर रहा है, लाइक यू कैन से. ओके, सो वो एग्जिट कर सकता है मार्केट में. ओके, तो यहाँ पे टाइम पीरियड के बेसिस पे लॉन्ग रन में तो ऐसा हो सकता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है. ओके, लॉन्ग रन में है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, शॉर्ट रन में थोड़ा क्वाइट डिफिकल्ट है, बिकॉज फर्म्स
काफ़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि स्केल में फिक्स लाइक इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा की होती है। स्केल्स में लार्ज स्केल फॉर्म्स हैं, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बेचने के लिए रेडी किया हुआ है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो शॉर्ट टर्म इतना छोटा टाइम पीरियड होता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट सारी वापस नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर अपने नई फॉर्म एस्टैब्लिश करने के लिए इतना ज़्यादा पैसा एकदम से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ओके। तो शॉर्ट रन में एंट्री और एग्जिट क्वाइट डिफिकल्ट है, वो फ्री नहीं होती, तो इतनी एंट्री और एग्जिट नहीं होती। लॉन्ग रन में फॉर्म्स आती रहती हैं और जाती रहती हैं, तो फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है, कोई लाइक बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। नाउ अगर फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है, ठीक है, तो मार्केट में फॉर्म्स को ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, जो हमने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में देखे थे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉसेस, ठीक है, या मिनिमम लॉसेस जिनको हमने कहा था, ठीक है, तीन कंडीशंस हमने पढ़ी थी। तो लॉन्ग रन में फॉर्म्स को परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स द फॉर्म विल बी अर्निंग AR इज इक्वल टू AC, मीन्स इतना ही रिकवर कर पा रही है एक यूनिट को बेच के जितना उसको बनाने में लगाया था। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है, TR इज इक्वल्स टू TC आप कह सकते हैं, ओके, इतना ही अर्न कर रही है या कर पा रही है जितना लगाया था, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाई इट इज नॉर्मल प्रॉफिट इफ द फर्म इज एबल टू अर्न दैट मच ओनली विच इट हैज स्पेंट, ओके, जितना इसने लगाया था, खर्च किया था, अगर उतना ही अर्न कर पा रही है तो ये प्रॉफिट क्यों कहा गया है, ओके। रीजन बीइंग फर्म्स जो है मार्केट में ये सोच के चलती हैं कि उनको एटलीस्ट अपना जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, वो रिकवर होता रहे, ठीक है, और अगर इस एक्सपेक्टेशन के साथ उन्हें फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर हो जाती है, ठीक है, तो वो उनकी प्रॉफिट की सिचुएशन मान ली जाती है, ठीक है। सो AC इंक्लूड्स AFC प्लस ABC, ओके, AC इंक्लूड्स AFC प्लस ABC, सो एवरेज कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूडेड है अलोंग विद अ वेरिएबल कॉस्ट, एंड AC इज इक्वल टू AR, दैट मीन्स इतना प्राइस फिक्स किया गया है या इस प्राइस से वो अपनी एवरेज कॉस्ट कवर कर पा रही है, ठीक है, क्लियर, जिस वजह से हम मान के चले कि फिक्स कॉस्ट भी कवर हो गई है, ओके, फिक्स कॉस्ट भी कवर हो रही है, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ सिचुएशन ऑफ पोजिशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द प्रोड्यूसर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। सो हाउ द फर्म्स आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन, रीजन बीइंग वी हैव डिस्कस्ड दैट फर्म्स आर फ्री टू एंटर एंड एग्जिट, ओके, फर्म्स आर फ्री टू एंटर एंड एग्जिट इन द मार्केट, ओके। So whenever the firms are observing super normal profits, that means where AR is greater than AC, okay, TR is greater than TC, means जितना लगाया उससे ज़्यादा earn कर रहे हैं, fixed cost और variable cost cover करने के बाद भी बच जाता है surplus उनको, ठीक है, इतना वो earn कर पा रहे हैं, ठीक है, so that means that is super normal profits. Super normal profits attract more firms in the market. जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं मार्केट में, तो और जो इन्वेस्टर्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स या सेलर्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगी ये मार्केट, सो नंबर मोर नंबर और फ्रेश सेलर्स विल एंटर इन द मार्केट, फ्रेश फर्म्स विल एस्टैब्लिश, न्यू फर्म्स विल एस्टैब्लिश इन द मार्केट, ओके, नई फर्म्स मार्केट में आ जाएंगी, नई फर्म्स आएंगी तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, ठीक है, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो मार्केट शेयर डिवाइड होगा, मार्केट शेयर डिवाइड होगा तो रेवेन्यू कम हो जाएगी, एंड दिस रेवेन्यू विल स्ट्रक एट TR is equal to TC again, ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस में थी, जब नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बढ़े, नंबर ऑफ सेलर्स बढ़े, तो मार्केट शेयर, भाई नंबर ऑफ बायर्स तो उतने ही है ना, सेलर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो बायर्स डिवाइड हो जाएंगे जब नए सेलर्स मार्केट में आएंगे, ठीक है, तो बायर्स डिवाइड हो जाएंगे तो फॉर्म्स जो एग्जिस्टिंग फॉर्म्स हैं उनका प्रॉफिट हिस्सा या प्रॉफिट शेयर कम हो जाएगा, क्योंकि नया सेलर आ गया है तो कुछ बायर्स को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग फॉर्म्स के बायर्स लूज कर जाएंगे, एग्जिस्टिंग फॉर्म्स अपने बायर्स को लूज कर जाएगी, मार्केट शेयर लूज कर जाएगी, तो उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा, ओके, तो मार्केट रेवेन्यू यहाँ पे कॉस्ट के इक्वल आ जाएगा, क्लियर, तो TR विल बिकम इक्वल टू TC, क्लियर, एंड अपोजिट ऑन द फ्लिप साइड इफ द फर्म इज अर्निंग बेयरिंग एबनॉर्मल लॉसेज, विच इज अ सिचुएशन वेयर TR इज लेस देन TC, ओके, AR इज लेस देन AC, this is the situation of abnormal losses, that means revenue is not enough to cover the cost even, okay, itna bhi hum cover nahi kar pa rahe hain ki, sorry, itna bhi hum earn nahi kar pa rahe hain ki hum apni cost ko to cover kar sake, to yahan pe hame abnormal losses ya minimum losses ho rahe hain, theek hai, minimum losses bole to variable cost cover ho rahi hai, fixed cost cover nahi hai, ye TR aur TC ka jo gap hai, TC is greater, TR is less, theek hai, to TC greater hai just because of fixed cost,
ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है रेवेन्यू में, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर मैं मानूँ कि फिक्स्ड कॉस्ट 20 रुपीज़ है एंड वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20 + 15 = 35, बट आर टोटल रेवेन्यू इज 15 ओनली. ओके, रेवेन्यू इज 15 ओनली, टोटल रेवेन्यू इज 15. जो 20 रुपीज़ का लॉस है फिक्स कॉस्ट का, वो अभी भी फर्म को बेयर करना पड़ रहा है, ठीक है. तो दैट इज लॉस, लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट, क्लियर. सो जब लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट है, तो वो सेलर्स जो फिक्स कॉस्ट का लॉस बेयर नहीं कर सकते, दे विल लीव द मार्केट. ओके, वो मार्केट को लीव कर जाएंगे, क्विट कर जाएंगे, ठीक है. सो दैट मीन्स नंबर ऑफ सेलर्स हैज बीन डिक्रीज इन द मार्केट. नंबर ऑफ सेलर्स डिक्रीज हो गए हैं, तो बायर्स का नंबर बढ़ जाएगा मार्केट, सॉरी सेलर्स के पास, या जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं जिन्होंने मार्केट को अभी नहीं छोड़ा है, ठीक है, उनका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा. ओके, सो द एग्जिस्टिंग सेलर्स विल गेन मोर मार्केट शेयर, ठीक है, विल बी एबल टू गेन मोर मार्केट शेयर. एज अ रिजल्ट द प्रॉफिट शेयर विल स्टार्ट अप गोइंग अप और स्टार्ट गोइंग अप और स्टार्ट राइजिंग. ओके, तो उनका जो प्रॉफिट शेयर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. एज अ रिजल्ट जो सिचुएशन थी, टी आर इज लेस देन टी सी, अब रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो इट विल बी इक्वल टू टी आर, सॉरी टी सी, इट विल बी इक्वल टू टी सी, टी आर विल बी इक्वल टू टी सी, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड बाद, ठीक है, क्योंकि कुछ फंड छोड़ के चली गई है. तो उनका जो मार्केट शेयर, जो मार्केट शेयर वो छोड़ गई है, ठीक है, अपने पीछे, वो मार्केट शेयर है वो कंज्यूमर बेस कौन ग्रैब कर लेगा, एग्जिस्टिंग जो सेलर्स हैं. ओके, इस वजह से एग्जिस्टिंग सेलर्स का मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे और इट विल बिकम इक्वल टू टीसी, क्लियर. तो इसलिए कहा जाता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक फर्म को हमेशा सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही हो रहे होंगे. ओके, दोनों कंडीशन हमने पढ़ी. नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग. यहाँ पे कोई भी फर्म जो है, जितने भी फर्म या जितने भी सेलर्स हैं मार्केट में जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है, दे विल नॉट फॉर्म अ ग्रुप और दे डू नॉट फॉर्म अ ग्रुप और अ कार्टेल, ठीक है, आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं करते रिगार्डिंग द प्राइस और द क्वांटिटी विच इज बीइंग सोल्ड आउट. ओके, जो भी क्वांटिटी सेल की जा रही है और जो भी जिस भी प्राइस पे सेल की जा रही है, आपस में वो कोई एग्रीमेंट या ग्रुप नहीं बनाते हैं. ओके, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, कोई स्मॉल लेवल पे ऑपरेट करेगा, कोई लार्ज लेवल पे परफॉर्म कर रहा होगा. ओके, कोई ऐसा एग्रीमेंट उनके बीच में नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स. परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स मीन्स द फैक्टर्स आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन फर्म टू अनदर. एक फर्म से दूसरी फर्म में फैक्टर्स जा सकते हैं. ओके, there is perfect mobility. Reason being, because the products are identical or homogeneous. So, products are identical or homogeneous. That means, product की technology में कोई difference नहीं है, product के shapes, quantity, quality, size वगैरह में कोई difference नहीं है. So, the factors are perfectly familiar with the products. ओके, जो भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो परफेक्टली फैमिलियर हैं उन प्रोडक्ट्स के साथ जो बेचे जा रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है. तो अगर वो एक फॉर्म से निकल के दूसरी फॉर्म में जाएंगे, तो उनको कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. दे कैन ईजिली मूव फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बिकॉज देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टेक्नोलॉजी एज द फैक्ट प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस और आइडेंटिकल. ओके, तो उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ओके, कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, क्योंकि सारे सेलर उसी सेम मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है, और सबको सेम जगह से ही प्रोडक्ट डिलीवर किया गया है, ठीक है, सेम इंडस्ट्री का प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनको नहीं उठानी पड़ेगी, या वो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड नहीं कर सकते हैं प्राइस को. ओके, सो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी चार्ज नहीं होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में. सो थ्रू दिस एनालिसिस वी हैव फाइंड आउट और कंक्लूडेड थ्री वाइटल पॉइंट्स through the analysis or analyzing the features. One is a firm is price taker, not a price maker. Firm ek price taker hoti hai, maker nahi. That means firm, a single firm cannot decide the price at which it is selling or it will be selling its product. Okay, ek firm price decide nahi karti hai, theek hai, industry decide karti hai. Reason being, ये रीजंस हैं, कॉजेज हैं इसके. लार्ज नंबर ऑफ फर्म, सिंगल फर्म नहीं है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, ठीक है, इस वजह से सबको सेम प्राइस पे बेचना पड़ता है. अगर कोई एक फर्म, इफ अ सिंगल सेलर और इफ एन इंडिविजुअल फर्म और सेलर इंक्रीजेज द प्राइस, ओके, इट मे लूज इट्स कस्टमर. ओके, बिकॉज द कस्टमर्स विल मूव टू द अदर सेलर, दोज आर सेलिंग द आइडेंटिकल प्रोडक्ट. ओके, क्योंकि सारे सेलर बेच तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही रहे हैं ना भाई, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है. उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप, कलर को लेके डिफरेंसेस नहीं है इवन, ठीक है,
तो प्राइस को लेके क्यों होंगे, किस बेस पे प्राइस डिफरेंशिएशन होगा, किस बेस पे हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो, कलर भी सेम है, शेप भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है, जो क्वांटिटी है वो भी सेम है, ठीक है, डिफरेंस प्राइस डिफरेंशिएशन किस बेस पे होगा, ओके तो कोई सेलर जो है प्राइस डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत सारे सेलर्स मार्केट में होते हैं, तो कोई सिंगल सेलर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर वो इंक्रीज करना चाहेगा तो कस्टमर बेस लूज कर जाएगा, अगर डिक्रीज करेगा, ठीक है, अब भाई बोलेंगे कि भाई अगर वो डिक्रीज कर दे प्रॉफिट कमाने के लिए तो उसके कस्टमर बेस तो इंक्रीज हो जाएगा, ओके अगर वो डिक्रीज करेगा तो मार्केट में कुछ ऐसी भी फर्म्स या ऐसे भी सेलर्स होंगी, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा मार्जिन है प्रॉफिट सॉरी प्राइस डिक्रीज करने का, क्लियर, कुछ ऐसे भी सेलर्स होंगे जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के पहले से ही बैठे हुए होंगे, जो लास्ट ईयर पे ऑपरेट कर रहे होंगे, तो उनके पास ज़्यादा मार्जिन है, ज़्यादा गुंजाइश है कि प्राइस को वो और कम कर दें, आपसे कम कर दें, उस सेलर से कम कर दें जिसने घटाया है इनिशियली, ओके सो उससे अगर प्राइस कम कर दिया तो उनके पास कस्टमर बेस इंक्रीज हो जाएगा एंड यू विल अगेन लूज द मार्केट शेयर। एक तो प्राइस शेयर भी लूज किया, प्राइस घटा के प्रॉफिट शेयर भी लूज किया, और कस्टमर बेस भी आपका लूज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके सो सिंगल सेलर जो है प्राइस चेंज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट, अभी अभी डिस्कस किया किस बेस पे प्राइस डिफरेंशिएशन होगा, जब प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस ही नहीं है, शेप साइज कलर क्वांटिटी क्वालिटी को लेके कोई डिफरेंसेज ही नहीं है, ठीक है, तो किस बेस पे आप प्राइस डिफरेंस करोगे, ठीक है, तो ना तो प्राइस इंक्रीज किया जा सकता है ना ही डिक्रीज किया जा सकता है क्योंकि होमोजीनियस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स वहाँ पे बेचे जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट नॉलेज, जो बायर्स एंड सेलर्स हैं सेम प्रोडक्ट पे सेलर्स बेच रहे हैं प्रोडक्ट को सेम प्राइस पे, ठीक है, तो सभी बायर्स को पता है कि किस प्राइस पे, या यू कैन से ऑल द बायर्स आर अवेयर अबाउट द प्रिवेलिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग प्राइस इन द मार्केट, ओके जो प्राइस मार्केट में एग्जिस्ट करता है उसके बारे में अवेयर है बायर्स, ठीक है, सो प्राइस टेकर होती है फर्म, चेंज नहीं कर सकती टाइम टू टाइम क्योंकि बायर्स को पता है कि क्या प्राइस मार्केट में चल रहा है। नेक्स्ट हमने एनालाइज किया डिमांड कर्व, ओके If the price is constant or the price remains constant, okay, so AR being the price, AR को हम price मान के चलते हैं, AR is equal to price of the commodity, okay, if price is constant, AR will also be constant, ठीक है, and AR को हम demand curve कहते हैं, ठीक है, so demand curve भी हमारा क्या होगा, parallel to OX axis, और elasticity of demand क्या होगी, elasticity of demand हम demand curve की shape से पता कर लेंगे, ठीक है, at price P, the firm is selling A quantity, B quantity, C quantity, N quantity, okay? N number of units जो है seller बेचने के लिए ready है same price के ऊपर, that means elasticity will be infinite, okay? Clear? So, यहाँ पे जो elasticity है वो infinity होगी, जितना मर्जी units एक seller बेचने के लिए ready है same price के ऊपर या constant price के ऊपर, क्योंकि price change नहीं हो रहा है market में, okay? So this is the AR curve, this is the price line, this is demand curve, okay? तीनों यही है, AR curve भी यही है, price line भी यही है, demand curve भी यही है, moreover MR curve भी यही है, ठीक है? Because if AR is constant, MR will also remain constant, ठीक है? MR क्या होता है? Difference होता है TR का, तो प्राइस में अगर डिफरेंस होता है, ठीक है, प्राइस में चेंज होता है तो एमआर चेंज होता है, जब प्राइस कॉन्स्टेंट रहता है तो एमआर कॉन्स्टेंटली चेंज टीआर कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, एमआर में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, एमआर भी कॉन्स्टेंट रहेगा, टीआर चेंज होगा, ठीक है, कॉन्स्टेंट रेट से, वो कॉन्स्टेंट रेट क्या बन जाती है, एमआर बन जाती है, ओके सो इफ एआर इज कॉन्स्टेंट एमआर भी कॉन्स्टेंट, तो यही हमारा डिमांड कर्व भी है, यही हमारी प्राइस लाइन भी है, यही हमारा एआर कर्व भी है, और यही हमारी डिमांड कर्व भी है, ओके और एमआर कर्व भी है, यू कैन से तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन, ओके ये भी हमने डिस्कस किया, ठीक है, प्रैक्टिकली वी हैव वर्कड आउट इट, क्लियर, कैसे कि लॉन्ग रन में, ठीक है, शॉर्ट रन में हो सकते हैं उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड एबनॉर्मल लॉसेस, बिकॉज शॉर्ट रन में जो एंट्री और एग्जिट होता है फर्म्स का वो फ्री नहीं होता है, क्योंकि कोई एक सिंगल फर्म, नो सिंगल फर्म कैन freely move inside or outside the market, okay? क्योंकि short run is a very short time period, clear? It takes time to disinvest the firm or reinvest, okay? Investments और de-investments में time लगता है, तो short run में जो है हम कह सकते हैं कि firm को abnormal losses और super normal profits हो सकते हैं, clear? बट लॉन्ग रन में फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होंगे, ये हम पीछे भी वर्कआउट किए, कैसे कि अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे होंगे सो ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट,
ओके, इफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आर बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द मार्केट, मार्केट में अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, सो ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट मोर फर्म्स विल अट्रैक्ट, ओके, एंड दे विल एंटर इन द मार्केट. जब नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो गई तो मार्केट शेयर डिवाइड हो जाएगा, ओके, सो मार्केट शेयर गेट्स डिवाइडेड इन टू द मोर नंबर ऑफ फर्म्स. सो हर एक फर्म का जो मार्केट शेयर है, प्रॉफिट शेयर है, वो डिवाइड हो जाएगा, ओके, कम हो जाएगा. जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं दे विल लूज द मार्केट शेयर, एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर उनको लूज करना पड़ेगा, तो उनका प्रॉफिट डिक्रीज होने लगेगा एंड विल इट विल बिकम इक्वल टू टीसी. ठीक है, टीआर उनकी जो है, जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, टीआर उनकी टोटल कॉस्ट के इक्वल आनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, एंड इफ द फर्म्स आर बेयरिंग अबनॉर्मल लॉसेस, ओके, मतलब अगर फर्म्स को यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं हो रही है, दैट इज अबनॉर्मल लॉस और मिनिमम लॉस, ओके, सो इफ द फर्म्स आर बेयरिंग अबनॉर्मल लॉसेस, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट देयर, ठीक है, देयर फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट बीइंग कवर्ड इन द मार्केट, सो सम फर्म्स विच आर नॉट एबल टू बेयर द लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वो फर्म जो फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस बेयर नहीं कर सकती, वो मार्केट को छोड़ देंगे, दे विल एग्जिट द मार्केट, ओके, सो नंबर ऑफ फर्म डिक्रीज हो जाएंगे मार्केट में, ओके, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर मार्केट का उतना ही रहा, नंबर ऑफ बायर्स तो उतना ही रहे ना, सेलर्स भी जा रहे हैं, ओके, सो नंबर ऑफ जो बायर्स हैं वो कॉन्स्टेंट है, तो मार्केट शेयर अब एग्जिस्टिंग सेलर्स के बीच में डिवाइड होगा, तो पर सेलर या पर फर्म जो है मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाएगा एंड रेवेन्यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, टोटल रेवेन्यू विल बिकम इक्वल टू टीसी. ठीक है, तो अगेन वो नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में आ गई है. क्लियर, तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं फर्म को परफेक्ट कॉम्पिटिशन में. सो यहाँ पे हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो खत्म होती है. उसके बाद हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर अपने आप को इक्विलिब्रियम में कैसे फाइंड आउट करता है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, एंड अदर फॉर्म्स हमने पढ़नी नहीं है. क्लियर, जो हमारी मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली है, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में इस साल डिलीट कर दी गई है सिलेबस में से. ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन.